दीदी है मीनाक्षी रोनू तो मेरे साथ आ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिभा व्लॉग में। तो गाइस, मैंने आपको अपने मिनी व्लॉग में बताया था, लास्ट मिनी व्लॉग जो मैंने पोस्ट किया था, कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो अभी भी मैं वही बोल रही हूँ कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ ये मैं आपको बताऊँगी इसी व्लॉग में। तो मेरी चल रही है तैयारी, मैं आपको दिखाती हूँ, पैकिंग की तैयारी चल रही है। ये मैंने चीकू के कपड़े निकाल लिए हैं अलग, ये मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, बैंगल्स, पर्स, डायपर, सामान इतना सारा हो गया। एक तो मौसम भी ठंडा तो अभी है ही, अब बरसात का भी लग रहा है, तो सामान हो गया है बहुत ज़्यादा। अब समझ नहीं आ रहा एक बैग में या तो मैं खुद का रखूँ या इसका रखूँ चीकू का, क्योंकि ये नहीं जा रहे हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई है बाहर, तो ये छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो यही नहीं जा रहे हैं, तो मैं ही जा रही हूँ। और मेरे तो मैं बता ही देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके की शादी में, मतलब मायके पक्ष में शादी है मेरे मामा जी के बेटे की, तो मैं उसके यहाँ जा रही हूँ, मतलब अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ। तो कल मेरे बड़े भैया पंकज भैया लेने आ रहे हैं, आप मिले भी हो उनसे पहले, तो वो मुझे लेने आ रहे हैं कल। तो बस अभी रात के बज रहे हैं 12 गाइस, और ये देखिए भी सोया है, अभी भी नहीं सोया देखिए। तो गाइस रात के 12 बज रहे हैं और मेरी पैकिंग चल रही है, क्योंकि दिन में मैं कुछ कर नहीं पाई, दिन में ट्यूशन भी पढ़ाया था बच्चों को, फिर एक फ्रेंड के यहाँ पे कुछ था, मतलब वो यहाँ से जाने वाली हैं, तो एक फेयरवेल जैसा एक पार्टी था, तो हम उन्हीं के घर चले गए थे, तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया। और बाकी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, 2 दिन के लिए जा रही हूँ, क्या रखूँ क्या ना रखूँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ नहीं तो पार्टी वाले कपड़े हो जाते हैं, और मौसम भी ठंडा है, तो बच्चे के भी कपड़े जितने हो उतने कम है, क्योंकि 2 तो एक्स्ट्रा रखने ही पड़ते हैं, कभी बच्चे गीले भी कर लेता है, कभी पॉटी भी कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या होता हो सकता है क्या नहीं। तो बस गाइस यहीं मेरी तैयारी चल रही है, और मैं कर रही हूँ इनका वेट, क्योंकि ये मेरी मतलब पैकिंग तो मुझे सामान में सारा एक साइड रख देती हूँ, लेकिन बैग में हमेशा यही सामान लगाते हैं, ये थोड़ा ठीक से सामान अरेंज कर देते हैं, हम लड़कियों की आदत क्या होती है बस सामान भरना है भरना है, लेकिन ये थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देते हैं सामान ना। तो बस मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ, तो गाइज़ ये बस आएंगे और अभी सारा कुछ कर देंगे सही। और गाइज़ तो जैसे कि मैंने बताया मेरे मामा के बेटे की शादी है, तो गाइज़ आगे के मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ शादी, पूरी शादी दिखाती हूँ, क्या होना है क्या नहीं होना है, क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पर, कौन कौन आएगा, और मैं पहली बार मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगी कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। गाइज़ मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे ससुराल पक्ष में भी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे मायके पक्ष में भी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज़ मेरे साथ आने वाले व्लॉगों में प्लीज़ बने रहिएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी अपनी मौसी मामा, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलाती हूँ, और देखिएगा हम कितना, पता नहीं वैसे चीकू के साथ मैं क्या करूँगी क्या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वहाँ की सारी चीज़ें बताऊँ दिखाऊँ कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या होता है हमारे यहाँ। तो सबके यहाँ के शादी के या चीज़ों के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ कैसे हैं बाकी यहाँ कैसे हैं, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। जैसे कि आप सबको तो पता है मैं यूपी से हूँ, यूपी आगरा से, तो हर जगह के अलग अलग होते हैं, हरियाणा के कुछ अलग रिचुअल्स होते हैं, यूपी के कुछ अलग होते हैं, बिहार के अलग होते हैं, पंजाबी के अलग होते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जगहों के अलग अलग होते हैं। तो मैं अपने वैसे तो सब कॉमन ही है क्या क्या रहता है, बाकी फिर भी आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। अभी मैं आगे और भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, अभी मैं पैकिंग करूँगी, तो पैकिंग में बहुत ज़्यादा देखना अभी मैं करूँगी तो कितनी दिक्कतें आने वाली हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरा कल का ही ब्लॉग है, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था मैं कहीं जा रही हूँ, तो बस मेरा कल के ब्लॉग से ही ये कंटिन्यू हो रहा है। तो बस मैं थोड़ा सा यहाँ बाहर झाड़ू लगाने आई थी, भैया आने वाले हैं लेने के लिए, 9:30 बजे तक वो आ जाएंगे, और अभी बज रहे हैं 8, तो बस मैं झाड़ू लगा के अभी जल्दी जल्दी फ्री होती हूँ। मौसम इतना बढ़िया, मैं हमेशा ही बताती हूँ कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बरसात जैसा मौसम हो रहा है, पता है। मैंने तो सोचा था स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं, जैकेट तो लिखनी पड़ेगी बच्चे की ना, जो कितना ठंडा मौसम है, बहुत ही ठंडा है, मज़ेदार, इतनी सारी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं देखो मेरे से। तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ, मेरे भैया आने वाले हैं,
फिर मिलती हूँ आपसे अपने भैया के साथ में। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, अब बस मुझे पूजा करने जाना है। तो गाइस वेलकम बैक। तो जैसे कि बस भैया आने वाले हैं और मेरी तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी क्या, खाना वाना बनाना है, नाश्ता बनाना है और मैंने नहा लिया है। अभी चीकू सोया ही हुआ है, पहले मैं नाश्ते की प्रिपरेशन कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करने जाऊँगी, क्योंकि फिर वो कब आ जाएंगे, फिर भूख भी लगेगी। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर इंडिया टीवी आ गए मेरे भैया। चाय नाश्ता चल रहा है हमारा। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की जीएमसी को 42 में से 21 सीटों पर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर गिराया सत्य विक्रमादित्य ने फेसबुक से कांग्रेस नेता का बायो हटाया। विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर परिचय में लिखा, ओ नानी हाउस जा रहा है ना, इसलिए चीकू पापा से मिल रहा है अपने। पापा को नहीं लेके जाओगे नानी हाउस? पापा जाओ है। फिर से करो, उम्मा कर दो पापा को, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, पापा के पास जा रहे हैं पापा। पापा मैं आपसे 5 को मिलूंगा, आपसे आप भी आ जाना, ठीक है, आ जाना आप भी। सो गाइस मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया, सारा कुछ कर दिया, अब हम खाने बैठे हैं। खाना मैंने खाना सेक लिया है, पूरी मटर पनीर एंड रायता। तो अब भैया और हम लोग मिलके लंच कर रहे हैं, ये तो नहीं आए हैं, चलो किसको, इनका ड्यूटी टाइम है तो इन लंच करने नहीं आते हैं अभी। तो हम लोग कर रहे हैं लंच। नाना सही है, अरे बेटा मुझे रायता पसंद है। मुझे भी रायता पसंद है। जैसे लड़का है ना, बहुत शैतान है, खा ली ना रायते से खाएगा, ले मैं तो रायता ही खाऊंगा। चलो अभी खाना खाने के बाद मिलते हैं। गाइस अब हम हो चुके हैं रेडी घर जाने के लिए फाइनली। और ये देखिए पंकज मामा चीकू को कर रहे हैं रेडी। अरे बिना डायपर के भैया, डायपर तो लगाओ। मैंने एक बार लगा दिया था लेकिन इसने कर ली थी पॉटी, तो फिर मैंने वो क्लीन करी। अब ये मेरे से कुछ नहीं करवा रहा, तो मैंने कहा भैया प्लीज आप इसके लगा दो डायपर। तो भैया कर रहे रेडी, जब तक मैं रखती हूँ इसका दूध, क्योंकि कहीं भी जाओ बच्चों का तो सारा सामान कैरी करना पड़ता है। तो मैंने सारा कुछ रख लिया है, चीकू का थोड़ा खाने पीने का भी रखना पड़ता है। तो मैं जब भी जाती हूँ अपने बेटे का एक लोवर और एक डायपर और सारी चीज़ें जो है मैं अपना इसी में रख लेती हूँ, ये कैरी बैग के अंदर ही। तो अब मैं कर रही हूँ चीकू के लिए दूध गर्म, क्योंकि वैसे पी चुका है लेकिन एक बोतल फिर भी मैं उसके लिए रख लेती हूँ। बाकी मैंने उसके लिए नमकीन, वेपर्स, मखाना, ये सारी चीज़ें रख ली हैं। बच्चों को कुछ नहीं कह सकते कब उन्हें क्या चाहिए, इसलिए मैंने सब कुछ रख लिया है। अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ उसके लिए, बस अभी भी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, अभी हमारा ऑटो आने वाला है फिर हम निकल जा रहे हो। आप चीकू उधर देखो, आप जा रहे हो बेटा? ये है हमारा बैग, ये है भैया, ये है चीकू, मेरे से का देख लो। तो हम यहाँ बस कैब या ओला ऑटो या जो भी कुछ है उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जाके भी लेना ही पड़ता है। तो बस थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं स्टेशन, फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। चीकू हेलो बाय बोलो सबको। सो गाइस खाना वाना हमने खा लिया है, अब मैं थोड़ा सा ऐसी बैठी हूँ बालकनी में, क्योंकि अब मुझे लास्ट फाइनल पैकिंग करनी है, छोटा मोटा सामान रखना है बस। पता नहीं क्यों कहीं जब मैं जाती हूँ घूमने जाऊँ या मायके जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, एक अजीब सी फीलिंग होती है यहाँ से जाने को लेकर ना, यहाँ मतलब ऐसा लगता है सब छोड़ के जा रहे हैं, अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या लगता है, ये तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन कुछ लगता है मन में, कुछ उथल पुथल सी होती रहती है। फिर चाहे मैं 2 दिन के लिए जाऊँ या ज़्यादा दिन के लिए जाऊँ, इस बार तो मैं कम दिन के लिए जा रही हूँ, 2 या 3 दिन के लिए, बिकॉज़ मेरे स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं कर सकते,
इसलिए मैंने आज भी पढ़ाया था, आज जबकि मेरे पास बहुत सारे काम थे लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं आज भी बच्चों को पढ़ाऊँ। तो आज मैंने पढ़ा दिया अभी बच्चों को, फिर खाना वाना खा के बस अभी बैठे हुए हैं बस। लेकिन अब जा रही हूँ ना तो थोड़ा सा अजीब सा मन हो रहा है, शाम को जाऊँगी, अभी टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं। तो भैया जी को के साथ खेल रहे हैं और मैं ऐसी बैठी हुई थी बालकनी में, तो ऐसी सोच रही थी बस कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मन में, पता नहीं। तो बस आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब आप कहीं जाते हैं तो मुझे ज़रूर बताना आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो, कि मैं भी जानना चाहती हूँ। बस गाइस बने रहिए, अभी और भी बातें करते हैं आपसे। कनी दीदी को यहाँ चीकू की बाय हो रही है कनी से, ये कनी खड़ी हुई है ऊपर, बाय कनी। सब लोग चीकू को सी ऑफ कर रहे ऊपर से ही। बाय किन्नी, किन्नी है किन्नी, हाँ मैं तो शाम को आऊंगा। ठीक है ठीक है, शाम को आएंगे, चलो यहाँ बोलो, हम लोग अब स्टेशन पे मिलेंगे सबसे। चीकू चलो, अब हमारा रिक्शा आ चुका है, हम जा रहे हैं। कौन, हाँ बाय करने आए चीकू से सारे लोग, देखो कितने सारे लोग चीकू से मिलने आए हैं। पूछ रही आंटी आप जा रही हो, मैंने कहा नहीं मैं आई हूँ अभी लौट के। चलो बाय करो, आओ आ जाओ बैठो, आओ बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दे सबको। ऊपर क्या कर रहे हो, बाय। मैं तो ट्रेन से जा रहा हूँ, है इधर से घुमा लो, इधर से निकल जाएगी सीधे, है ना, हाँ निकल जाएगी। मां दीदी देख रही हूँ, मैं जाऊंगी, बाय करूंगी इंतजार, बाय बाय चिकू, बाय करो सबको, बाय बाय। कैप लगा, कैप ठंडी हो रही है, बंद कर दो। चिकू पापा मेट्रो ट्रेन में, चिकू पापा नहीं आए ना छोड़ने, पापा से पापा से ऐसे कुट्टी कुट्टी कर दो, बोलो डाले आज चिकू मेट्रो ट्रेन के डाले, मेट्रो ट्रेन चिकू के पापा नहीं आए तो चिकू कुत्ता हो गया, चिकू मेट्रो ट्रेन से आएगा। तो गाइस फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन में मिले हैं हमें मेरी माँ की बेटी, वो अभी मैं मिलाती हूँ, वो आगे वाले डब्बे में बैठी हुई है। तो हम लोग आ रहे हैं लखनऊ इंटरसिटी से, बस बैठ चुके हैं, अभी देखते हैं पहुंच जाएंगे हम 9-10 बजे तक। भैया से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं भैया, बोल रही थी ना हमारे साथ कोई आए तो चीकू चीकू ये देखो ये लोग मिल गए हमें, तो दीदी है इलाक्षी रोनू, तो हम एक साथ जा रहे हैं। अरे चीकू की मस्ती शुरू हो गई है, बस अभी हम पहुंचने वाले हैं 1 घंटे में, अभी हम मथुरा क्रॉस हुआ है, मतलब मथुरा पर ही है। बारिश आ रही है, देखिए मथुरा चल रही है, बारिश आ रही है ना। अबे कोई करना आ गया, इसको भी करना आ गया, देख लो वही दोनों मिल गए, मस्ती शुरू। पानी तो नहीं पीना किसी को, नहीं ये रहा पानी पे। तो गाइस फाइनली हम आगरा पहुंच चुके हैं, तो ये है मेरी जन्मभूमि, मेरा देश, मेरा आगरा। तो बस अपने यहाँ की खुशबू, अपने यहाँ की बात ही अलग होती है गाइस। और यहाँ हो रही है बहुत बारिश, देख लो कीचड़। जीजा जी कहाँ गए, जीजा जी के साथ में ये रेड कलर की कार है उनकी, बैठ रहे हैं हम लोग, बैठ चुके हैं, जा रहे हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर। असल किसकी किसी की भी नहीं दिख रही है, किसकी शादी में जा रही है सबको पता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। देखो ये सब बैठे हुए हैं, ये रहा चीकू, जीजा जी, ये है मेरा आगरा, है ना।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे और यहाँ बना रही है भाभी मेरे लिए गरम गरम छोले भटूरे। तो एक ये मेरी भाभी, अभी मैंने वहाँ पहले मिलाया था उसे भैया, ये मेरी बड़ी भाभी, छोटी भाभी अभी आई नहीं है। तो मेरे लिए खाना लगा रही हैं, तो हम खाना खाएंगे अंदर। पापा, भैया और मेरा चीकू खा रहा है और बानी से मैं मिला नहीं पाई। अभी बानी सो रही है, उसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो बहुत वेट कर रही है। बुआ जी कब आएंगी कब आएंगे, लेकिन वो सो रही है अभी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ना वॉमिटिंग होती है। मेरी नाजुक सी बच्ची है ये, देखिए सो रही है। कल्पना चावला है, नाजुक बच्ची नहीं है ये, कल्पना चावला है हमारी। हाँ खा रहे हैं खाना, अब खा रहे हैं हमारे पापा और भैया खाना। ये खा रहा है हमारा चीकू अपने छोटे मामा के साथ। मैं भी खाने जा रही हूँ खाना। ये मेरे पापा, भैया से तो मिल ही रहे हो, ये पापा है मेरे। तो अभी खाना खाने के बाद मिलते हैं, बाय। तो गाइस यहाँ हम आ चुके हैं भाभी के रूम में खाना खाने। मम्मी नहीं है यहाँ पे ना, मम्मी नहीं है तो थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, क्योंकि जब भी हम घर आते हैं तो मम्मी मिलती हैं हमेशा, लेकिन आज पहली बार मम्मी नहीं मिली हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मम्मी गई हुई है मामा के यहाँ। जैसे कि मैंने बताया मेरे मामा की बेटी की शादी है, तो उनके यहाँ मम्मी देहरी हमारे यहाँ पूजी जाती है। सबसे पहले शादी की रस्मों की शुरुआत तभी होती है जब देहरी को सिराहा देते हैं, देहरी पूज देते हैं। तो मम्मी मेरी देहरी पूजने ही गई हैं कल, और आज वहाँ रत जगा है, तो इसलिए तो बस अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, कल मैं अपनी मम्मी से मिलूँगी और मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाऊँगी। गई बस फरीदाबाद से दिल्ली तक, फरीदाबाद से आगरा तक का ये सफ़र था, ये ब्लॉग था। तो जहाँ मैं आने वाली थी वहाँ मैं आ चुकी हूँ। तो बस अब मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी कल से नए नए व्लॉग देखने के लिए तैयार हैं। कल आपको मिलेगा नए नए व्लॉग। ये चीकू की चल रही है मस्ती नानू के साथ। चलो चीकू बाय करो, बाय। पी लिया कोई बात नहीं है, और पी लो। गुड नाइट बोल दो चीकू, बाय। बोल दो गुड नाइट, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय बाय।